गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर। ग्रामर में हम करेंगे आज लेसन नंबर 14, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अब जब भी सेंटेंस लिखते हो तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो फुल स्टॉप डालो और क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। मैनी सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। आप जो कोई नॉर्मल लिखते हो उसमें हम हर टाइम फुल स्टॉप यूज़ करते ही है। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन, मतलब ये एक सेंटेंस है, ये आपका मतलब कुछ पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ पे हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखो क्या बोलते हैं, द स्टार शाइन्स इन द स्काई, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है। ये क्या बोल रहा है कि जो स्टार है शाइन होता है स्काई में, तो इसमें कुछ पूछ रहा है नहीं, ये बता रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो स्टार है वो शाइन होता है स्काई में, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगनिंग, ये भी आपको बता रहा है, ये सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप। वुड यू लाइक सम टी, ये पूछ रहा है आपको टी चाहिए, आपको चाय चाहिए, ये सेंटेंस है लेकिन ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। सो हियर देयर इज सम एक्सरसाइज, राइट दिस सेंटेंस यूजिंग द आइदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जो सेंटेंस लिखा है उधर हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वो हम देखते हैं। ब्रिंग मी सम वाटर, अभी क्या बोल रहा है, मेरे लिए पानी लाओ, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नो तो हम डायरेक्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। माय फादर इज अ लॉयर, ये सेंटेंस है ना, कुछ आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, नहीं ये बता रहा है, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, ये आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि आपको कौन सा गेम पसंद है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। द बास्केट इज फुल ऑफ रेड रोजेस, जो बास्केट है वो पूरा भरा है रेड रोजेस से, तो उधर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट डिड द कनिंग फॉक्स डू, यहाँ पे पूछ रहा है जो कनिंग फॉक्स है वो क्या करता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द लायन चेज द डियर, ये आपको बता रहा है सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब है हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। Now next lesson, that is lesson number 15, punctuation, okay? Punctuation आपको पता है, वही हमने अभी जो full stop question mark किया है, और हम जब भी कोई sentence लिखते हैं हम first letter क्या करते हैं, capital रखते हैं, तो हमें first letter हमारा capital रखना है। अगर कोई sentence हमें कुछ information दे रहा है तो full stop, अगर कोई question हमें question पूछ रहा है, कोई sentence हमें कोई question पूछ रहा है, तो हम वहाँ पे question mark लगाएंगे। देखो पहला वाला किया है, the dog bark at the stranger, तो हम जो द है, द का जो टी है हम पहला कैपिटल करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ बता रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो स्ट्रेंजर जो मतलब रास्ते पे चलते जा रहा है उसके ऊपर भौंक रहा है, ठीक है, तो हमें बता रहा है ना, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। माय कजन एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास, पहला हम क्या करेंगे, पहला हम ये पूरा कॉपी कर डाउन करेंगे एज इट इज, और ये जो माय है फर्स्ट लेटर उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर, ठीक है, हमने कर देंगे ये। फिर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है या सिर्फ बता रहा है, तो ये हमें बता रहा है कैसे, कि ये बोल रहा है कि माय कज़न, जो मेरा कज़न है, और मैं, आई मतलब मैं, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो मतलब हमें क्वेश्चन मतलब सेंटेंस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप। हाउ डिड यू गेट योर शर्ट सो डर्टी, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देंगे और क्वेश्चन सेंटेंस समझेंगे कि सेंटेंस में क्या दिया है, क्या है सेंटेंस, हाउ डिड यू गेट योर शर्ट सो डर्टी, उसको मम्मी ये देखो यहाँ पे पूछ रही है कि आपका शर्ट कैसे गंदा हुआ, मम्मी पूछ रही है ना, क्वेश्चन पूछ रही है उसे सेंटेंस में, वो उसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एज इट इज आपको ये सब करना है, ठीक है,
मैंने आपको दो तीन एक्सप्लेन कर दिया है, सेम वे आपको कॉपी डाउन करना है। इस पंक्चुएशन में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर आपको सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस आपको कुछ बता रहा है तो फुल स्टॉप, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हाउ वाई, ये देखो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन, सिर्फ ये हाउ भी क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये जो भी डब्ल्यू एच से चालू होता है वो सब हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, रिमेम्बर, बाय।